हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ढेर सारा इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आप इसमें केवल आप दिमाग लगाओगे, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सारे आदमी, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है दोस्तों। जैसे मान के चलिए कि देखिए, तीन सेब, जैसे तीन सेब का दाम है आपको 30 रुपया, तीन सेब का दाम है आपको 30 रुपया, और एक, देखिए, एक सेब और दो केला, एक सेब और दो केला का दाम है आपको 20 रुपया, और देखिए एक केला और दो लीची का दाम है आपको 9 रुपया। तो एक सेब, एक केला और एक लीची का दाम कितना होगा, टोटल का दाम हमको जो है सो वहाँ पे लिखना है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए किस प्रकार आप बनाओगे। जैसे हम देखिए, हमको सबसे पहले आप क्या दिमाग लगाओगे, हमको क्या कहता है, एक सेब, एक केला और एक लीची का टोटल का जो है सो दाम जोड़ के यहाँ पे हमको लिखना है ना, इसके बराबर में लिखना है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे, देखिए तीन एप्पल का दाम कितना है आपको, 30 रुपया है। तो तीन गो एप्पल है, तो एक गो एप्पल कितना रुपया हम पड़ा दोस्तों, 10 रुपया पड़ा, तब ना 10 या 30 हो गया। तो हम समझ गए कि एक गो एप्पल का दाम 10 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, तो एक एप्पल का दो बनाना का दाम 20 रुपया है। तो हम क्या समझेंगे कि दो, एक एप्पल है, दो बनाना का दाम 20 रुपया है। तो दोस्तों एक एप्पल का दाम तो पहले से हमको 10 रुपया है, तो यहाँ पे 10 रुपया, तो 10 रुपया आप बचा, 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 रुपया बचा। तो 10 में से दो बनाना है ना, तो 5 5 कितना हो जाएगा आपको, 10 5 5 कितना, 10। तो मतलब बनाना का दाम आपको कितना रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया दोस्तों। बहुत ईजी है, देखिए आप केवल मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, कितना यहाँ पे, तो पहले से तीन एप्पल 10 रुपया, एक एक एप्पल का जो है 10 10 रुपया पड़ा, तो एक एप्पल पहले से 10 रुपया, यहाँ पे कितना, एक एप्पल दो बनाना का दाम 20 रुपया है ना दोस्तों, तो एक एप्पल का 10 रुपया, तो आप बचा 10 रुपया, तो 10 में से दोनों, दो को बनाना है ना, तो 5 5 10, तो एक बनाना का दाम आपको कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक बनाना और दो लीची का दाम 9 रुपया है, तो एक बनाना पहले कितना 5 रुपया है, तो 5 रुपया 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, तो दो लीची है ना, तो अर्थात दो रुपया जो है सो पड़ा, दो रुपया पड़ा लीची, दो गो लीची कितना, दो रुपया पड़ा। तो एप्पल का 10 रुपया दोस्तों, बनाना का 5 रुपया और लीची का 2 रुपया, आप सभी को जोड़ दीजिए, 10 5 15 दो कितना 17, इस पे जो है सो कितना आंसर हो जाएगा आपको, इसका 17 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी था दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आज से आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही क्या था, ईजी था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन में आप लोग को बताता हूँ, जिसमें दोस्तों स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको अगर कोई बोले दोस्तों कि अगर 8 गो 8 लिख के, कितना दोस्तों 8 गो 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 गो 8 से आपको जो है सो 1000 पुराना है। ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कोई मतलब छोटे छोटे स्टूडेंट सब आपको क्या कर देते हैं, पूछते रहते हैं, मतलब 8 वो 8 से आपको 1000 पुराना है, कैसे आप पुराओगे। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हमको 8 वो 8 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको 1000 पुराना है। तो देखिए कैसे आप पुराइएगा दोस्तों, 8 वो 8, 1 2 3 4 5, मतलब एक लाइन में 5 लिख लीजिए, एक लाइन में आप 2 ठो लिख लीजिए, और एक लाइन में वैसे आप छोड़ दीजिए, तब जो है सो इसको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, फिर से आपको 1000 पूर जाएगा। एक लाइन में आपको 5 ठो लिखना है दोस्तों, एक लाइन में 2, एक लाइन में 1 ठो, देखिए जोड़ लीजिए, तो 5 8 5 40 के 0, 8 5 गो है तो 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 8 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10 के 0 हासिल 1, देखिए दोस्तों 1000 पूर गया दोस्तों, बहुत ही ईजी था। और इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई संबंधी रोज अच्छा अच्छा वीडियो प्राप्त होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।